नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र आपकी 30 वर्ष है। सवाल आपने ये बताए कि आपको जो दिखे बता दीजिएगा। आपने कहा कि आपके सारे सवालों के जवाब बिना कहे आपको मिल जाएंगे, ऐसा आपको विश्वास है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे जो दिख रहा है आपके हाथ में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। आपके हाथ की पूरी रेखाओं का विश्लेषण किया जाएगा। जो जो दिख रहा है सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, जैसी आपकी जीवन की रेखा है, बहुत तरह के हाथ होते हैं। हर तरीके के हाथ में अलग अलग तरह की जीवन रेखा होती है। हर तरह की जीवन रेखा का महत्व अलग अलग पाया जाता है। जो एक आइडियल और एक अच्छी और एक नॉर्मल जीवन रेखा जो हर किसी के हाथ में होनी चाहिए, वो इस प्रकार की होती है कि यहाँ से निकलती है, इस प्रकार घूमकर पीछे की ओर चली जाती है। ये एक आइडियल जीवन रेखा हाथ में होनी चाहिए। और अगर ये जीवन रेखा होती है तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का जीवन सुखी एवं संपन्न रहेगा। लेकिन आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ से तो निकलती है, फिर एक साथ इसने टर्न लिया नीचे की ओर और ये यहाँ पर आकर रुक चुकी है। देखिए, अब आप समझेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि छोटी जीवन रेखा है तो उम्र छोटी रहेगी। देखिए, बहुत से लोग ही समझते हैं कि पामिस्ट्री में अगर किसी ने बता दिया कि जीवन रेखा कर्म में छोटी है, आगे नहीं बढ़ी है, तो जीवन छोटा रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये इस बात को जरूर दिखाता है कि छोटी जीवन रेखा व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर परेशान करती है। ये रेखा इस बात का सबूत होती है कि व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को भी दिखाती है, जैसे आप अपने जीवन में 60वां वर्ष पार करेंगे, 60 की एज के आगे आपको आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो भी स्वास्थ्य के लिए। तो ये इस बात को शो कर रहा है। बाकी जीवन रेखा लंबी नहीं है, इसके लिए आपको जीवन रेखा का महामंत्र दे दिया जाएगा। उस मंत्र का नियमित जाप करने से आप पाएंगे कि आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि होगी और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी जो आने वाले समय में आ सकती है वो नहीं आएगी। तो आपको जीवन रेखा का उपाय दे दिया जाएगा। बाकी जीवन रेखा छोटी है बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैंने पर्सनली देखा है, मैंने देखा कि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा इतनी सी थी लेकिन तब भी वो 80-80 वर्ष जी गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जीवन रेखा छोटी होना स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक निशान होता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, ये रेखा आपको इन्वेस्टर बनाएगी। आप जब जब जहां भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्टॉक मार्केट हो, सोना चांदी, जमीन जायदाद, गोल्ड बॉन्ड प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। अगर आपका विजन लंबा रहता है, आप कहीं भी पैसा लगाते हैं तो सोच के लगाते हैं कम से कम 8 से 10 साल तो आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, आप जरूर से जरूर बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले रहेंगे, चाहे वो किसी से भी कमाए, स्टॉक मार्केट से, प्रॉपर्टी से, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़े बड़े फायदे आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। तो जब भी कहीं पैसा लगाने के बारे में सोचेगा तो लंबा सोचेगा, आपको फायदा मिलेगा और आप एक बहुत अच्छे लेवल का और बहुत बड़ा पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे। यदि आपका अंगूठा देखें तो अंगूठा मुझे बहुत ही मजबूत दिखता है। अंगूठे में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं है। सूर्य का क्षेत्र बढ़िया है, हल्की सी सूर्य की उंगली छोटी चली गई है। आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, आप ईगोइस्टिक नेचर वाइज रह सकते हैं, ये चीज दिखती है। और एक रिस्क लेने वाली काबिलियत आपके अंदर नहीं है, आप रिस्क लेने से डरते हैं, जब रिस्क लेने वाली बात आती है आप पहले पीछे हट जाते हैं, ये चीजें आपके हाथ में उंगली पर दिखता है। बुध की उंगली ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है, कहीं ना कहीं बुध के प्रभावों को अच्छा कर रही है, बुध के प्रभावों को ये रेखा बढ़ा रही है। जब बुध की रेखा इस प्रकार की होती है तो ये रेखा आपको डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीजों में ये रेखा आपको लाभ देने वाली रहेगी। हाथ की बाएं राशियां भी मुझे ठीक ठाक आपके हाथ में दिखती हैं। शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी एक रेखा दिखती है। जब शनि पर इस प्रकार की रेखा होती है तो बुढ़ापे के अंदर स्टेबल इनकम को दिखाती है। ये इस बात को भी दिखाती है कि बुढ़ापे के अंदर ऐसा समय हमेशा रहेगा कि आपको बैठे बैठे आपका पैसा बनता रहेगा। यानी ऐसे व्यक्ति को जितना संघर्ष जवानी में या बचपन में करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, बुढ़ापे में उसका 10% भी नहीं करना पड़ता। और संतान द्वारा सेवा होने के ये भी योग रेखा बनाती है। सूर्य पर सूर्य रेखा है, लेकिन देखिए थोड़ा एक अजीब योग दिखता है, जो कि मतलब मान के चलिए अगर मैं 1000 हाथ देखूं तो वो योग मुझे 3 से 4 हाथों में ही दिखता है। वो क्या है? आपके हाथ में राहु और सूर्य का मिलन हो रहा है, क्योंकि राहु से एक रेखा निकली है और सूर्य की ओर जा रही है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि शायद आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु सूर्य एक दूसरे पर दृष्ट होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे सामने सामने बैठकर, या फिर एक साथ बैठे होंगे, यानी कि उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा होगा। क्योंकि राहु और सूर्य का साथ आना इस बात के 100% संकेत देता है कि देखिए इस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे पहलू बताए जा सकते हैं। ये इस बात को भी दिखाता है कि ये रातों रात तरक्की के भी योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बड़ा लाभ भी देता है, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सरकार से लाभ भी देता है। और देखिए इसका जो असली मतलब होता है वो मैं आपको पर्सनल बताऊंगा, क्योंकि देखिए राहु क्या है, राहु अगर पॉजिटिव हो जाए तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति वायरल होते हैं, जो रातों रात अमीर बनते हैं, जिनको अचानक से पैसा आता है, वो चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो इसका जो असली मतलब है मैं आपको
प्रश्न ही बता दूंगा। सूर्य मतलब सरकार, राहु मतलब रातों रात तरक्की, बुध पर आपके हाथ में, बुध पर ऐसी कोई बड़ी रेखा नहीं है, तो व्यापार के मामले में आपका हाथ अनुकूल मुझे दिखता है। ये आपके हाथ में आपका मंगल है, मंगल का चित्र बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। बाहरी मंगल बढ़िया है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये अच्छा करते हैं, चंद्र भी बढ़िया दिखते हैं। यदि भाग्य पर आएंगे तो देखिए भाग्य पर एक बहुत ही विशेष चीज दिखती है, आपका नॉर्मल हालतों से थोड़ा तो अलग है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा अलग है, बट थोड़ा अलग है, क्योंकि नॉर्मल हालत ऐसे नहीं होते जिसमें जीवन रेखा छोटी हो, राहु सूर्य का मिलन हो, भाग्य रेखा इतनी मजबूत हो। अब देखिए जो आपकी भाग्य की रेखा है वो क्या दिखा रही है, नॉर्मल हाथों में भाग्य रेखा इस प्रकार होती है, आपके हाथ में भाग्य रेखा पीछे से आई है, यहाँ से आई है भाग्य रेखा, ये है आपकी असली भाग्य रेखा। देखिए जब पीछे से भाग्य रेखा आए, देखिए ये क्या शो करता है, ये शो करता है वाला ऐसा पिछला जन्म, ये बचपन, ये टीनेज, ये जवानी, ये मिडिल एज बुढ़ापा, मृत्यु, उसके उपरांत का अगला जन्म, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। अब जब ये पीछे से आए तो इस बात का 100% कंफर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि इस जीवन में जो आपको स्टेबिलिटी मिली है करियर में, फैमिली में, हेल्थ में, या आगे मिलेगी, कहीं ना कहीं पिछले जन्म के अच्छे कर्म सामने आ रहे हैं जिनके हिसाब आपको फायदा मिल रहा है। और मैं इतना भी आपको कह सकता हूँ कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, 100% किए हैं, जिसकी वजह से आपकी भाग्य रेखा मुझे काफी मजबूत इस जन्म में दिखती है। आपको जो संघर्ष करना पड़ा है या आगे भी करेंगे वो करना पड़ेगा जिस एज में आपकी भाग्य रेखा फैली हुई है, मतलब जहां से फैली शुरू हुई यहां तक फैली है, बाद में वापस पतली हो गई है। ये देखिए इस हिस्से को मिलाइए, इस हिस्से को मिलाइए, यहाँ पर पतली है भाग्य रेखा में फैली हुई है, तो संघर्ष जो आया था वो आया होगा आपको, समझ सकते हैं आप, 29 तक, 29 के बाद भाग्य रेखा मजबूत होनी शुरू हो गई है। और ये जो 29 के बाद जो आपको भाग्योदय हुआ है या होगा, या फिर अच्छा जो पैसा बनेगा, और जो देखिए इसमें भी गोल्डन पीरियड ये है 44 के बाद का जो समय है, 50 तक, ये 6 साल बहुत बढ़िया जाएंगे, इस एज में आपको प्रॉपर भाग्योदय देखने वाला बनेगा, क्योंकि इस एज में भाग्य रेखा सबसे मजबूत है। तो ये समय जो अच्छा टाइम चलेगा वो क्यों चलेगा, कहीं ना कहीं पिछले जन्म के पुण्य कर्म की वजह से, क्योंकि ये रेखा पीछे से आई है, पीछे से भाग्य रेखा आती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आपकी जो आत्मा है वो पिछले जन्म से पुण्य कर्म जुटा कर लाई है, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में बहुत ज्यादा सपोर्ट परमात्मा का, नेचर का, किस्मत का मिलेगा। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चली है, यहाँ पर रुकी है, यहाँ से दूसरी मस्तिष्क रेखा स्टार्ट हुई है। अब देखिए ये जो एज दिखती है मुझे दिखती है यहाँ पर, देखें तो बदलाव बड़ा आया है यहाँ पर। अब ये भाग्य रेखा नहीं है, कुछ लोग सोचेंगे कि ये भाग्य रेखा इसमें ही मिल गई, लेकिन ये भाग्य रेखा नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा तो ऐसे सीधी चली गई है, ये मस्तिष्क रेखा है जो आगे बढ़ी है। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है मस्तिष्क रेखा का, ये शुरू हो रहा है, इसको आप समझ सकते हैं 38 के समथिंग में दूसरी मस्तिष्क का शुरू हुई है, तो कहने की बुद्धि बदलेगी, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, धर्म में ध्यान जाएगा, भगवान में धर्म आस्था बढ़ेगा, और ऐसे ही धार्मिक बनते चले जाएंगे, इमेजिनेशन पावर भी ऐसे की बढ़ जाती है। ये आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा यहाँ से चली है और इस प्रकार आपके हाथ में कहाँ चली गई, बृहस्पति तक। इस प्रकार की जो हृदय की रेखा है आपके हाथ में, ये इस बात को शो कर रही है कि जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतना आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं समाज की सेवा करने से, अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों को अन्न दान करने से, वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों को अन्न दान करने से, सबका भला सोचने से, सबके काम आने से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर आप समाज के काम आते हैं, समाज सेवा करते हैं, जिसमें जानवरों की सेवा, गरीब लोगों की सेवा, असहाय लोगों की सेवा रहती है, एनपीओ के जो कार्य होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो कार्य होते हैं, उनमें जुटते हैं, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपका भाग्योदय कब हो गया, कब आपको जीवन में बड़े लाभ देखने को मिल गए। और देखिए आपको दान दक्षिणा पुण्य कर्म अच्छे कर्म लोगों का भला करना ही रहेगा, क्योंकि ये जो आपने कर्म पिछले जन्म में किए हैं जिसकी वजह से आपको भाग्योदय दिख जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं किए, दिख जाएगा आपको कि आपने कर्म किए हैं जिसका आपको लाभ मिला है, या आपने महसूस भी किया होगा, किस्मत आपकी और लोगों से तो ठीक रही होगी। बाकी ये काम इस जन्म में भी करना होगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप किसी ना किसी तरह मोक्ष और मुक्ति के रास्ते को आगे बढ़े, क्योंकि कर्म मुझे आपके हाथ के अच्छे दिख रहे हैं। एक जो आपके हाथ में एक नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव तो नहीं, एक्स फैक्टर जो है वो ये राहु की रेखा है जो सूर्य पर जा रही है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, नेगेटिव परिणाम मिलते हैं, इसका मैं आपको डिटेल जो मतलब रहता है आपको पर्सनली बताऊंगा व्हाट्सएप पर या कॉल। बाकी मैंने आपके हाथ में सब कुछ देख लिया, मुझे आपके हाथ में हेल्थ वाइज ठीक दिखता है, करियर वाइज भी हाथ ठीक है, भाग्य रेखा फैली हुई तो भाग्य रेखा के उपाय करने देंगे, क्योंकि थोड़ा संघर्ष ये आपको देने वाली रहेगी, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ है, और जीवन रेखा थोड़ी सी छोटी है, इसका आपको, इसके लिए आपको उसका मंत्र दे दिया जाएगा। बाकी मुझे कोई और नेगेटिव रेखा नहीं दिख रही है, जो है सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया आपके हाथ में दिखता है। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी जो पूछना रहे हमसे पूछ लीजिएगा, सबसे हमें बता दीजिए, आपको सब कुछ बताएंगे, आपके एक एक सवाल का कोई जवाब देंगे, ओवरऑल जो कुछ भी पूछना रहेगा सब पूछ लीजिएगा,
अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है जो भी सब बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय आपको किस किस देने रहेंगे, एक तो छोटी जीवन रेखा के उपाय देने रहेंगे और एक राहु के उपाय भी आपको उपाय देने रहेंगे। दूसरा तीसरा भाग्य रेखा के आपको उपाय देने रहेंगे। तीन उपाय हमसे ले लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।